विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्ण का जीवन दर्शन इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस इकाई के बारे में चर्चा करने से पहले हमें कवि परिचय की चर्चा कर लेना चाहिए। तो इस कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म सन 1908 में हुआ था और निधन सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ पर दिनकर जी कई पदों पर उन्होंने अपना कार्य किया है, जिसमें ये जो अध्यापन कार्य भी दिनकर जी कराते थे, सब रजिस्ट्रार का पद भी उन्होंने संभाला और कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, उप कुलपति। कोई भी विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी का कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कुलपति और उपकुलपति दो होते हैं। जो कुलपति के हाथ नीचे जो कार्य करता है उसे उपकुलपति, जो कुलपति का हाजिर नहीं होते तब उसका उस पद को संभालने वाला उपकुलपति होता है। तो उन्होंने उपकुलपति के रूप में कार्य भी किया और हिंदी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है। यहाँ पर दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो कि उन्होंने अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, यानी कि अपने देश में जो लोग बसे हैं उन लोगों में जागरूकता लाना, अपने देश में अपने युग को, यानी कि दिनकर जी जिस समय हो गए उस समय में अपने देश में जागरूकता लाने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को जागृत किया। कवि ने तत्कालीन घटनाओं माने यानी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो कि तत्कालीन यानी कि दिनकर जी जिस समय भारत में जो लेखन कार्य कर रहे थे उस समय हमारे देश में कैसी घटनाएं घटित होती थी, कैसे विषमताएं होती हैं, उसका उन्होंने खुलकर चित्रण किया, बिना किसी के दबाव से अपने साहित्य में लिखा। तो उस खुलकर चित्रण किया, इसका मतलब ये होता है। जब हम गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जिलाओं की रचना की है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जिस समय मुख्यमंत्री थे उसी समय उन्होंने 7 जिलाओं की रचना की। उस जिलाओं में छोटा उदयपुर, अरवली, महिसागर जैसे जिलाओं की रचना की। तो ये तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार ये तत्कालीन शब्द का प्रयोग उन्होंने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया, यानी कि दिनकर जी जिस समय कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में लिख रहे थे उसी समय का माहौल का, उसी समय जो माहौल में घटनाएं, विषमताएं घटित होती थी उसका उन्होंने उसी समय के साहित्य में चित्रण किया, लिखा। उनकी वाणी में शक्ति और ओज के गुण हैं, यानी कि उनकी वाणी में उनकी कलम ओज और शक्ति के रूप में उन्होंने साहित्य में लिखा। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है, यानी कि शोषित और पीड़ित वर्ग, ये जो आम जनता थी, आम गरीब प्रजा थी, गरीब लोग थे, उसके उसको
बड़े लोग शोषण कर रहे थे, तो उस शोषण को शोषण से मुक्ति दिलाना, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा क्या थी, उसको साहित्य में उन्होंने स्थान दिया और इस शोषित वर्ग की पीड़ा और संघर्ष के मुक्ति, यानी कि पीड़ा से मुक्ति पाने की जो संघर्ष चल रहा था उसको उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। दिनकर जी की साहित्य कृतियों के बारे में अब हम थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। इस काव्य कृतियों की उन्होंने रचना की। उनका सबसे महान काव्य ग्रंथ है जो उर्वशी है, उस पर उनको उर्वशी के लिए उन्होंने उसको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का, भारत के भारत में जो कोई साहित्यकार साहित्यिक रचना करता है, लिखता है कोई साहित्य, तो उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में जो पुरस्कार मिलता है तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उर्वशी के लिए उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उर्वशी में उन्होंने क्या लिखा है, तो कि उर्वशी एक महाकाव्य है जिसमें पुरुर्वा, राजा पुरुर्वा और उर्वशी, उर्वशी यानी कि स्वर्ग की जो अप्सरा है, उस अप्सरा और पृथ्वी का एक राजा है पुरुर्वा, उसके बीच की जो कथा है उसको उसको दोनों उस कथा को उन्होंने इस साहित्य में, इस कृति में लिखा है। और उनमें मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी कि पुरुर्वा पुरुर्वा की जो देवत्व की चाह, यानी कि देवता बनने की जो चाह है उसको, और उर्वशी का जो पृथ्वी पर आकर प्रेम प्राप्त करना, मनुष्य के साथ प्रेम प्राप्त करना, उसके बीच जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, मनोवैज्ञानिक ये जो हमारे शरीर का इंद्रियों की जो उसको उन्होंने लिखा है। मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने इस कृति की रचना की है। और रश्मिरथी में, यानी कि एक खंड काव्य है जिसमें महाभारत कथा के आधार पर रश्मिरथी, रश्मि यानी कि सूर्य का किरण, रथी यानी कि रथ को संभालने वाला, रथ पर बैठने वाले, सूर्य की किरण के किरण रूपी रथ पर बैठने वाला, ऐसा अर्थ होता है। इसमें महारथी कर्ण, उसके जीवन पर आधारित ये खंड काव्य है। रेणुका, हुंकार में जो ये वर्तमान युग के प्रति जो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें कवि का आक्रोश वर्णन किया गया है वर्तमान के प्रति। रसवंती, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र, ये महाभारत आधारित युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का कथानक को लेकर उन्होंने कुरुक्षेत्र ये काव्य की रचना की है। तो ये हैं उन काव्यों, रामधारी सिंह दिनकर रचित काव्यों की संक्षिप्त परिचय है। संस्कृति के चार अध्याय चिंतन ग्रंथ है, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के चार अध्याय चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से इस ग्रंथ को सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनके प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जो साहित्य की रचना की है उस कृतित्व यानी कि रचनाएं की हैं उसकी गुणवत्ता और परिमाण, गुणवत्ता यानी कि साहित्य कितना अच्छा है ये जो उनकी गुणवत्ता है, और परिमाण यानी कि कितनी मात्रा में उन्होंने साहित्य रचना की है, तो इन दोनों दृष्टि से विपुल यानी कि विशाल दृष्टि से विपुल हैं, भरपूर हैं। और कर्ण का जीवन दर्शन, इस काव्य में रामधारी सिंह दिनकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो प्रस्तुत खंड काव्यांश यानी कि ये खंड काव्य का अंश है, एक अंश लिया गया है खंड काव्य का, जो रश्मिरथी महाकाव्य, रश्मिरथी खंड काव्य है उसमें से इस अंश, एक अंश लिया गया है। तो
प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं, उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य को समझने से पहले ये सारा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन यानी कि कर्ण के जीवन पर आधारित ये काव्य है। तो कर्ण का जीवन दर्शन काव्य को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कर्ण कौन था, कर्ण का जन्म कहाँ हुआ था, कर्ण की माता कौन थी, जिसके बारे में भी हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, तब हमें ये काव्य समझने में सरलता रहेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, कर्ण का जन्म, कर्ण एक सूर्य पुत्र था और कर्ण की माता का नाम कुंती है। कुंती श्री कृष्ण भगवान की बुआ है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की फोई, शुद्ध गुजराती भाषा में आपणे कहीए तो कृष्ण भगवान ने फोई कुंती माता थी। और कुंती का जन्म मथुरा में हुआ था, कुंती मथुरा की राजकन्या थी। कर्ण का जन्म कब हुआ था, क्योंकि कुंती जब कुंवारी का अवस्था में थी, यानी कि कुमारी अवस्था में, यानी कि कुंती की शादी नहीं हुई थी, तब कर्ण का जन्म हुआ था। और ये कुंती को दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त किया था, कुंती को दुर्वासा मुनि की कुंती ने सेवा की थी, उस सेवा के फल के रूप में दुर्वासा मुनि ने कुंती को वरदान दिया था। और जिस देवता को कुंती भुलाएगी और उस देवता वहाँ पर हाजिर, उस मंत्र के प्रताप से जो देवता कुंती के सामने हाजिर हो जाएंगे और कुंती को पुत्र का वरदान देगा। तो ऐसा वरदान कुंती को दुर्वासा मुनि ने दिया था और कुंती ने मनोमन इसका मनोमंथन करती रहती थी। कई बार एक बार कुंती को कुमारी अवस्था में, यानी कि शादी के पहले कुमारी अवस्था में, उन्होंने सोचा कि क्या ये मंत्र दुर्वासा मुनि ने मुझे जो वचन दिया है, जो मंत्र दिया है, ये सही हो सकता है, ऐसा उन्होंने खराई करने का सोच लिया और उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का मंत्र का जप कर लिया और भगवान सूर्य नारायण उसके सामने हाजिर हो गए। अब कुंती विचलित हो जाती है, यानी कि कुंती अब घबरा जाती है और भगवान सूर्य नारायण को विनती करती हैं कि मैं ये मंत्र सही हो सकता है, ऐसा जांच कर रही थी। तो भी भगवान सूर्य नारायण वचन में द्विधा में बंध जाते हैं और उनको पुत्र का वरदान देना पड़ता है, पुत्र देना पड़ता है कुंती को। और कुंती उस पुत्र को संभालती है और कुंती कुमारी अवस्था में पुत्र प्राप्त करने का जो लोक लाज है, उसका डर से उन्होंने उस पुत्र को त्याग कर देती हैं, उस पुत्र को गंगा नदी में बहा देती हैं, एक पेटी में रखकर बहा देती है और उस पेटी गंगा नदी में बहती बहती जाती है और वो पेटी बहती बहती हस्तिनापुर तक पहुंच जाती है और हस्तिनापुर में ये जो धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ सारथी हैं, उसको ये पेटी, राधा और अधीरथ को ये पेटी मिलती है और उनको भी पुत्र नहीं था, वो इसलिए ये पेटी बाहर निकालते हैं और उसमें पेटी में क्या पाते हैं, तो कि पुत्र मिलता है उसको, वो भी खुश हो जाते हैं और उस पुत्र को उन्होंने लालन पोषण करते हैं, तो जिसका नाम है कर्ण, ये बड़ा होकर कर्ण बनता है।
और जिसका जन्म सूर्य नारायण भगवान के भगवान के वरदान से होता है, फिर भी वे सारथी के घर उसका पालन पोषण होता है, उसी के लिए ये सूत पुत्र कहा जाता है। जन्मजात ये सूत पुत्र जन्म सूत पुत्र कहा जाता है। वो एक पुरुषार्थ से वो बड़ा है, फिर भी वो सूत पुत्र कहा जाता है। उसको कई सारे अपमान झेलना पड़ता है। अब कर्ण बड़ा होकर कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करता है और अर्जुन जैसा धनुधारी अर्जुन जैसा बाणावड़ी बन जाता है। फिर भी कर्ण को एक सूत के घर बड़ा होने के कारण उसको कई अन्यायों का सामना करना पड़ता है और कर्ण इस अन्यायों के सामने संघर्ष करता हुआ कर्ण इस कहता है कि इंसान की महानता जन्म से नहीं होती, उसकी पुरुषार्थ से, यानी कि वो जो कार्य करता है उसकी बाहुबल से, वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है उसकी विद्या से। उसको जो महानता प्राप्त करता है इंसान अपने बाहुबल से, अपने विद्या से, तो मनुष्य की महानता अपनी विद्या से, अपना कार्य से महान बनना चाहिए, न कि उसकी जन्म से। तो इसके बीच ये जो आधारित हैं इस कथानक के ऊपर आधारित ये कर्ण का जीवन दर्शन कार्य है, रश्मि रथी खंड काव्य रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इस रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर ये कर्ण का जीवन दर्शन काव्य यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कर्ण सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय प्राप्त करना चाहता है। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडव श्रेष्ठ के रूप में पांडवों के पक्ष में महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसको कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले लाना चाहते हैं, प्रलोभन यानी कि भगवान श्री कृष्ण ये राजगादी हस्तिनापुर की गादी कर्ण को हस्तिनापुर के राजा बनाने का प्रलोभन यानी कि लालच देते हैं, फिर भी वो कर्ण अविचलित होता है यानी कि विचलित नहीं होता, उस लालच में नहीं आता। और जिसने अन्याय के सामने उस जो साथ दिया है कर्ण को अन्याय के सामने लड़ने का साथ दिया है जो है दुर्योधन, तो उसको वो किसी भी मोल में वो छोड़ना नहीं चाहता और पांडवों के पक्ष में नहीं जाना चाहता। इस कथा प्रसंग को लेकर रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण का जीवन दर्शन इस काव्य में वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं उसको हम समझते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव यानी कि धन दौलत, वैभव का अर्थ होता है धन दौलत, और धन दौलत और विलास का मतलब क्या होता है, जो कि सुख भोग, ये सुख भोग सुख शाह्य भी इसका मतलब होता है विलास का। और परवाह यानी कि चिंता, परवाह का मतलब क्या होता है चिंता। और दान यानी कि जब हम कोई इंसान को गरीब को कुछ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं दान। देव यानी कि देव पुरुष। और सरिता का मतलब होता है नदी, सरिता का मतलब क्या होता है तो कि नदी। निर्मल शुद्ध पवित्र स्वच्छ ऐसा अर्थ होता है। और करतल यानी कि हथेड़ी, हमारे हाथ का जो पंजा होता है ना उसे करतल कहते हैं। सदा मतलब कि हमेशा झरती रहे, करतल से झरती रहे यानी कि हाथ में से कोई चीज़ हम छोड़ते हैं धीरे धीरे हाथ में से, जब हम रेती जो रेत होती है रेत को मुट्ठी में बांध लेते हैं और धीरे 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 उस रेत को छोड़ते हैं तो वो है झरना, उसको झरने की जो क्रिया होती है उसे झरती कहते हैं।
निर्धन यानी कि गरीब दरिद्र, गरीब दरिद्र उसी अर्थ में निर्धन का अर्थ लिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी कि कर्ण कहता है, कर्ण क्या कहता है कि मुझे वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव धन दौलत की मुझे कोई चाह नहीं, और विलास यानी कि ऐश्वर्य सुख भोग की मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि केवल मैं दान देता रहूँ। दान की सरिता नदी के रूप, नदी जिस प्रकार नदी हमेशा बहती रहती है, नदी अपना पानी दूसरों के लिए बहाती रहती है, शुद्ध स्वच्छ पानी अपने दूसरों के लिए बहाती रहे, उसी तरह मैं अपने हाथ से सदा हमेशा के लिए गरीबों के लिए या अपने पास जो कुछ भी धन है वो उसका दान मैं अपने हाथ से गरीबों के लिए दान करता रहूं, पवित्र दान अपने हाथ से मैं करता रहूं, बस यही मेरी चाह है, ये करना कहता है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यंत परहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इस पंक्ति के माध्यम से क्या रामधारी सिंह दिनकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? कर्ण के मुख से ये बोला गया, ऐसा यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि तुच्छ है। तुच्छ का मतलब क्या होता है? तो कि क्षण भंगुर, तुच्छ यानी कि क्षुद्र, तुरंत नाश होने हो जाता है वो। और केशव यानी कि भगवान श्री कृष्ण, नर शब्द का मतलब होता है इंसान, मनुष्य। विभव यानी कि वैभव विलास सुख सुसाह्य भी, चिंता यानी कि हम जो चिंता करते हैं वो चिंता। और प्रभुत यानी कि प्रचुर मात्रा में भरपूर मात्रा में जो चिंता होती है उसे प्रभुत कहते हैं। अत्यंत पर यानी कि बहुत थोड़ा। और हास यानी कि हास्य, चाकचिक्य यानी कि चमक चकाचौंध, चाकचिक्य चमक चकाचौंध, क्षण यानी कि तुरंत मात्रा में, पल भर यानी कि क्षण। और विलास यानी कि सुख साहेबी। और वह गवाना का मतलब यानी कि खो देना, गवाना यानी कि खो देना, मैंने 5 रुपये गवा दिए यानी कि मैंने 5 रुपये खो दिए उसी अर्थ में। कुछ साथ नहीं ले जाना यानी कि कुछ भी हम साथ नहीं ले जाते। यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये राज्य का भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें मैं हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा, तो तुम्हारे चरणों में ये हस्तिनापुर सारे संसार को मैं धर दूंगा, ऐसा कर्ण को भगवान श्री कृष्ण कौरव पक्ष से पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए लालच प्रलोभन देते हैं। तब उसी क्षण ये कर्ण एक भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुच्छ है राज्य क्या केशव, यानी कि ये राज्य तो क्षण भंगुर है, ये तुरंत में नाश होने वाला है, और इस राज्य को प्राप्त करके मनुष्य क्या प्राप्त करता है, मनुष्य को क्या मिलता है वैभव प्राप्त करके, और ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं इस राज्य को प्राप्त करके मनुष्य को बहुत सारी चिंताएं मिलती हैं। और हंस यानी कि थोड़े समय के लिए मनुष्य खुश होता है, थोड़े समय के लिए मनुष्य के मुख पर हंसी आती है। और चाकचिक्य यानी कि चमक, मनुष्य के चेहरे पर थोड़े क्षण के लिए चमक आ जाती है, और कुछ क्षण में ये विलास मनुष्य प्राप्त करता है। और वह भी मनुष्य जब मनुष्य
का नाश होता है, मनुष्य जब मर जाता है तब ये सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ खोकर जाता है। और मनुष्य जब मर जाता है तब अपने साथ मनुष्य कुछ भी नहीं ले जाता, कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जाता, वो मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ मनुष्य चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को कर्ण ये समझाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्ण का जीवन दर्शन काव्य को यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। अस्तु।